सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सबको पता है कि 4 तारीख को श्रीधाम बरसाना में राधा रानी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहां बरसाना में शासन और प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएँ की हैं उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान बरसाना गोवर्धन रोड है। जैसा कि आप मेरी दाईं तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था की है और बैरियल के माध्यम से वहाँ सभी वाहनों को पार्क कराया जाएगा। जो भी श्रद्धालु गोवर्धन मार्ग से आएँ वो अपने वाहनों को यहाँ पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं। और जैसा कि आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, यह अंतिम पार्किंग है, इससे आगे कोई पार्किंग नहीं है और यहाँ से आगे की यात्रा आपको केवल ई रिक्शा से ही करनी होगी। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ शासन और प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम और आप चलते हैं और देखते हैं बरसाने में शासन प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। आइए हमारे साथ, आइए आपको दिखाते हैं राधाष्टमी पर्व के लिए बरसाना को कैसा सुंदर रूप प्रदान किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से यहाँ बरसाने में कैसी सुंदर सजावट की गई है। अब हम पहुँच गए हैं बरसाना मंदिर जाने वाले पहाड़े मार्ग पर। यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं, यहाँ बैरियर के माध्यम से गाड़ियों का आवागमन रोका गया है, केवल VIP पर्सन के लिए ये रास्ता प्रयोग में लिया जाएगा। जो भी VIP मेला देखने के लिए यहाँ पधारेंगे राधा रानी के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए, इसी रास्ते से उनको निकाला जाएगा। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट जी के पास चलते हैं और यहाँ की व्यवस्था के विषय में उनसे जानते हैं। सर राधे राधे। सर, यहाँ की व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। प्रशासन ने चारों तरफ से हर तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई समस्या ना हो। पॉइंट बनाए हुए हैं चेक पॉइंट, यहाँ से आगे किसी भी से मतलब चार पहिए वाहन को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं रोक देते हैं या बाहर पार्किंग करके तो पैदल पैदल जाओ यहाँ से। यहाँ मैं चेक पोस्ट का सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ और रात को 8 बजे के बाद दूसरे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे होंगे ड्यूटी। तो मतलब 24 घंटे ड्यूटी लगेगी प्रशासन की तरफ से, सभी लोग अपनी ड्यूटी से ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने बताया कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है और उसी का निर्वहन करते हुए यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से देते हुए। आइए अब आपको आगे के नज़ारे भी दिखाते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं महाराणा चौक त्राहे पर और ये आप मेरे पीछे जो दर्शन कर पा रहे हैं बरसाना का मुख्य द्वार। बड़ा ही सुंदर आज यहाँ लाइटों के माध्यम से बरसाना के मुख्य द्वार को सजाया गया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं श्रीधाम बरसाना और प्रवेश करते हैं इस मुख्य द्वार के माध्यम से। रंग बिरंगी रोशनी के माध्यम से ये मुख्य द्वार बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। अब हम प्रवेश कर गए हैं श्रीधाम बरसाना में और देखते हैं यहाँ कैसे सुंदर नज़ारे रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से श्रीधाम बरसाना को बड़ा ही अद्भुत और दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता है, 4 तारीख को प्रातः 5 बजे हमारी किशोरी जी का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम तरीके से यहाँ श्रीधाम बरसाना में मनाया जाएगा। और यहाँ महाराणा चौक पर श्री राधा रानी पवित्र भोजनालय के रूप में यहाँ यात्री भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर प्राप्त कर सकते हैं। यात्री बढ़ने लगे हैं और सभी उस रस में डूबना चाहते हैं जो श्रीधाम बरसाना में बरसता है। और अब की बार एक विशेषता और है, पूरे बरसाना परिसर को, पूरे मेला परिसर को CCTV के माध्यम से सिक्योर किया गया है, कवर्ड किया गया है। सभी यात्री CCTV की नज़र में रहेंगे। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं सुदामा चौक और दिखाते हैं वहाँ कैसे सुंदर नज़ारे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं सुदामा चौक पर, यहाँ सुदामा चौक पर कैसे सुंदर नज़ारे हैं ये आपको दिखाते हैं। यहाँ दुकानों को बड़ा ही सुंदर और भव्य रूप दिया गया है। यहाँ से यात्री खान पान की व्यवस्था ले सकते हैं और यही वो स्थान है जहाँ से हमारे लाडली जी मंदिर के लिए सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पधारे हैं राधा रानी के दर्शन के लिए।
बाहर से आए हुए श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ, आइए उनसे पूछते हैं यहाँ बरसाना आने के बाद में उनको कैसे अनुभव की प्राप्ति हुई। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है। कहाँ से बता रहे हैं प्रभु आप? मैं मुंबई से बता रहा हूँ। महाराज आप बरसाना प्रथम बार आए हैं? नहीं, मैं बहुत बार आ चुका हूँ। आ चुका है जी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे किशोरी जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ श्रीधाम बरसाना मनाया जाता है। तो हमारे भी जी, आपको यहाँ आने के बाद किस अनुभव की प्राप्ति हुई? क्या बताएं, कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। लाभयान है एकदम, शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। महसूस कर सकते हैं, हम फील कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कितना आनंद हमें। तो यहाँ आने के बाद में शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आप संतुष्ट हैं या कोई परेशानी आपको? नहीं, थोड़ा और ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ और सुधार चाहते हैं? और सुधार चाहते हैं। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से अभी और व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। सर प्रथम अपना नाम बताएं महाराज। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। कहाँ से बता रहे हैं? मैं मुंबई से। आप भी मुंबई से? जी जी। प्रभु यहाँ बरसाना आने के बाद में आपको किस दिव्य अनुभव की प्राप्ति होती है, किस दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है? देखिए, आनंद तो ऐसा है कि हम ऐसे तो मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटी कहने को है जी। लेकिन आनंद इन गांवों में ही है जहां भगवान स्वयं विचरण किए हुए हैं। बरसाना हो गया, वृंदावन हो गया। अगर वास्तविक आनंद की बात करें जी, जी, तो यही वो मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने। वास्तविक जो आनंद है जिसकी अनुभूति लोग कर सकते हैं वो बरसाना आकर ही कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे हम उम्र के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस उत्सव में भाग लें, मथुरा आए, यहाँ की जो महिमा है उसको जाने, बरसाना आए और यहाँ की महिमा को जाने और आकर उस आनंद का अनुभूति लें। महाराज हमारे भक्त परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त परिवार को तो संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, जो भक्त हैं जी वो तो निसंदेह उस विधि को, उस आनंद को जानते हैं। तभी इतने जैसा आप देख सकते हो इतनी भीड़, इतना उमड़ाव जो भगवान के दिव्य दर्शन के लिए है, वो भक्त ही आ सकते हैं। वैसे तो संसार में काफ़ी लोग हैं लेकिन इतने कष्ट उठा के देखिए, नंगे पांव लोग इतनी धूप इतनी गर्मी में चले आ रहे हैं बरसाना भगवान के दिव्य दर्शन के लिए, तो ये भक्ति कर सकता है। और भक्ति में आने का मतलब है कि अपने आप को पहचानना, उस आनंद में रहना, भगवान को पहचानना और अस्तित्व से जुड़े रहना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने धाम में। महाराज एक छोटा सा प्रश्न कि समस्त संसार भवसागर से अगर सहज में पार होना चाहे तो उसके लिए कोई उपाय आप बताएं, कोई मार्ग उसका बताएं। देखिए, भव सागर से पार होने का तो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जी। भगवान का जो ध्यान है और भगवान का दिव्य दर्शन है जो हम उनके जो जन्म स्थल है वहाँ आकर पाते हैं जी। ठीक है, तो भव सागर से पार होना है तो भगवान के जो दिए गए भगवत ज्ञान है, श्री जी के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। श्री जी के चरणों का आश्रय, उनके ज्ञान का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है हम आराम से। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि अगर इस भवसागर से आपको सहज में पार होना है तो हमारी किशोरी जी के चरणों का आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है, और इसी मार्ग के द्वारा इस भवसागर से सहज में ही पार हुआ जा सकता है। और अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर की छोटी सीढ़ियों के पास। यहाँ बैरिकेडिंग के माध्यम से रोड को डाइवर्ट किया गया है, आने का अलग और जाने का अलग। यहाँ भी प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था राधाष्टमी महोत्सव के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं सारा देवी अतिथि भवन। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी यात्री परदेशी को कोई भी परेशानी ना हो। आइए चलते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जी के पास में और जानते हैं उनसे कि क्या क्या व्यवस्था हुई है। आइए। राधे राधे महाराज। राधे राधे। प्रभु जी ये बताइए, यहाँ हेल्थ कैंप में क्या व्यवस्थाएं आपकी बार यात्री परदेशियों के लिए की गई हैं प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं इमरजेंसी की हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी वाली, इंजेक्शन है, प्राथमिक चिकित्सा। हाँ जी, अगर यात्री परदेशी को कोई परेशानी होती है तो आप उससे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? जी, हमारी तीन टीमें लगी हुई हैं यहीं पर, एक यहाँ है, एक ये रही, एक ऊपर है। मतलब मेला के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस रखी है, किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। हमारी 15 टीमें टोटल लगी हुई है। श्रीधाम बरसाना में इस बार 15 टीमों के माध्यम से हेल्थ कैंप लगाए गए हैं ताकि किसी भी बाहर से आए हुए यात्री परदेशी को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। प्रभु जी धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे साहब।
कैसी मस्ती का माहौल श्री धाम बरसाना में राधा रानी जी के निज महल में। सभी भक्त पूरी मस्ती में यहाँ झूमते हुए इस दिव्य रस का आनंद शब्दों से नहीं किया जा सकता। ये देखिए सभी श्रद्धालु किस दिव्य आनंद में हैं। कहते हैं हमारी लाडली जी के चरणों में आनंद स्वयं बरसता है, और आनंद कोई और नहीं, आनंद साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसी महिमा है हमारे श्री धाम बरसाना की। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा रानी मंदिर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।